जीवदानी माता, जितना प्यारा माता रानी का नाम है उतना ही प्यारा माता का स्वरूप और उनका चमत्कार है। जीवदानी माता का मंदिर महाराष्ट्र मुंबई के विरार में स्थित है। जीवदानी माता का मंदिर भक्तों के बीच अपने चमत्कारों को लेके बहुत प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जीवदानी माता का दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और सच्चे मन से मांगने पर जीवदानी माता इच्छा अनुसार मन वांछित फल देती है। जीवदानी माता की स्थापना काफ़ी समय पहले की गई थी। कहा जाता है कि जिस पर्वत पे जीवदानी माता विराजमान है उस पर्वत पर काफ़ी समय पहले एक चरवाहा रोज गाय चराने आता था और गाय चराने के बदले गांव वालों से अनाज या पैसे लेता था। उसकी गांव में एक गाय सबसे निराली थी, वह रोज शाम को लुप्त हो जाती थी। एक दिन चरवाहे ने उस गाय का पीछा किया क्योंकि चरवाहे को उस गाय को चरवाने के बदले कुछ भी नहीं मिलता था, इसलिए वह उस गाय का पीछा करने लगा। वह चमत्कारी गाय खेत से निकलकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। तब वहाँ पर एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई और स्त्री देखकर चरवाहा बहुत खुश हुआ और स्त्री से पूछने पर चरवाहे को पता चला कि ये गाय स्त्री का है। तब वो स्त्री से गाय को चरवाने के बदले कुछ मांगता है। तब स्त्री चरवाहे से प्रसन्न होकर उस चरवाहे को कोयला देती है, जिसे देख चरवाहा चौंक जाता है और उस कोयले को फेंक देता है। जब वह पीछे मुड़ के देखता है वहाँ से स्त्री गायब हो जाती है और वह गाय अचानक पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाती है। यह सब देख चरवाहा बहुत डर जाता है और वह गांव की तरफ भागने लगता है और सारी बात उसने गाँव वालों को बता दी। और तब उसी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी ने चरवाहे से कहा कि वह कोई आम स्त्री नहीं थी, वह देवी माँ थी और कोयला भेंट के रूप में मिलना शुभ माना जाता है। तब से वह चरवाहा रोज जाकर उस स्थान की पूजा अर्चना करने लगा। गाय ने अपनी जीव का दान दिया था, इसलिए इस पहाड़ को जीवदानी कहते हैं। उसी दौरान जीवदानी माता ने एक आदिवासी स्त्री को सपने में आकर उसे दर्शन दिया। उसके बाद वह आदिवासी स्त्री हर रोज यहाँ पूजा अर्चना करने लगी। आज जहाँ पहाड़ी पर मंदिर है वहाँ पहले एक पत्थर की गुफा थी। छोटी सी जगह में देवी स्वरूप मुखोटा की पूजा अर्चना होती थी। उसके बाद साल 1966 में भक्त जनों के द्वारा देवी माँ की मूर्ति की स्थापना की गई। पुराने कथाओं के अनुसार मूर्ति का स्वरूप बनाया गया। साधारणतः देवता के हाथ में शास्त्र होता है, पर जीवदानी माता का स्वरूप तेज कुंज बनाया गया। उनके पास त्रिशूल रखा गया। मंगलवार और शुक्रवार जीवदानी माता का खास दिन माना जाता है। यहाँ चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रि मनाया जाता है। नवरात्रि के अवसर पे भक्तजनों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। बहुत से लोग यहाँ दर्शन के साथ मन्नत मांगते हैं। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो दोबारा मंदिर में आकर जीवदानी माता के दर्शन करते हैं और मन्नत पूरी होने पर प्रेम सहित जो वो देना चाहे वह जीवदानी माता को भेंट के रूप में दे देते हैं। जीवदानी माता के मंदिर से पूरा विरार ही नहीं, आप पूरा शहर भी देख सकते हैं। जीवदानी माता के मंदिर की ऊंचाई के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं उतना ही माता रानी के चमत्कारों के बारे में कहा जाता है। ऐसा ही एक वाक्य हम आपको बताते हैं। वाराणसी में रहने वाले राहुल कुमार जी कहते हैं उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ उनकी माता की तबीयत में। तब उन्होंने अपनी माता को तांत्रिक के पास भी दिखाया पर बीमारी ठीक नहीं हुई। जीवदानी माता के बारे में राहुल को उसके एक दोस्त ने बताया। उसके बाद राहुल ने मुंबई आकर जीवदानी माता के दर्शन किए और मन्नत मांगी। राहुल ने माता से दिल से अपनी माँ के लिए दुआ की और जीवदानी माता से मन्नत मांगी। राहुल का जीवदानी माता पर उसका भरोसा ही वो लेकर वापस वाराणसी गया और कुछ ही महीने में
उसकी माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। जब राहुल की माँ पूरी तरह ठीक हो गई तो राहुल वापस मुंबई आकर जिवदानी माता के दर्शन किया और मन्नत पूरी की। जिवदानी माता पूरी दुनिया में अपने नाम और चमत्कारों की वजह से जानी जाती हैं। ऐसे कई चमत्कार हैं जो जिवदानी माता ने अपने भक्तों के साथ किए हैं और उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दी हैं। जितने भी भक्त जिवदानी माता के दर्शन करने आते हैं, सबके मन में माता के प्रति अटूट विश्वास होता है। जिवदानी माता का नाम लेकर हर भक्त मंदिर की 1300 सीढ़ियों का सफ़र पूरा कर माता रानी के दरबार तक पहुंच जाता है, जहां जिवदानी माता विराजमान है। जिवदानी माता के दर्शन करने के बाद मानो जैसे सब अच्छा लगता है, सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जिवदानी माता का नाम ही जिवदानी है, जिसका अर्थ है जीव देने वाली माता। माता के दरबार में आने के बाद भक्तों के बिगड़े काम बनने लग जाते हैं और कई भक्तों की जिवदानी माता को देखने की, उनका दर्शन करने की इच्छा पूरी हो जाती है। मंदिर में 2 बार आरती की जाती है, सुबह और शाम। उस दौरान माता का दरबार चालू रहता है। आरती के बाद दरबार को बंद कर दिया जाता है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम वापस नीचे की ओर आते हैं। तब हम रास्ते में छोटे छोटे मंदिर देखते हैं, जहां अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं। जैसे कि जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं, तब गणपति बप्पा का छोटा सा मंदिर स्थापित है। जैसे जैसे हम जिवदानी माता के दरबार पहुंचते हैं, वैसे ही हम और भी कई छोटे छोटे मंदिर जिवदानी माता में स्थापित देखते हैं। जिवदानी माता मंदिर के ट्रस्ट द्वारा मंदिर के निर्माण में बहुत से काम किए गए हैं और उन्हीं में से एक जिवदानी मंदिर प्रसादालय चालू किया गया, जहाँ जिवदानी माता के दर्शन करने आए भक्त जिवदानी माता का प्रसाद ग्रहण कर जिवदानी माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। मंदिर के बाहर से देखने पर मंदिर बहुत विशाल दिखाई देता है। यही नज़ारा रात्रि के समय बहुत खूबसूरत हो जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं, जिवदानी माता दुनिया भर में अपने भक्तों के बीच अपने चमत्कारों को लेकर बहुत प्रसिद्ध है और जिवदानी माता का दरबार साल में पूरे 12 महीने खुला रहता है। भक्त जब चाहे आकर माता रानी के दर्शन कर सकता है और सच्चे मन से अपनी कोई अधूरी इच्छा लेकर माता के पास पहुंचता है, माता रानी उसकी वो इच्छा जरूर पूरी करती है। बस कुछ ऐसा ही है हमारी जिवदानी माता, अपने भक्तों के हर संकट को हर लेती है और सबको खुशियों से भरा जीवन जीने का आशीर्वाद देती है। जिवदानी माता के दर्शन जिस भी इंसान को मिल जाते हैं, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। माना जाता है कि जिवदानी माता को जब स्थापित किया गया था, तब से लेकर आज तक जो भी भक्त अपनी खाली झोली लेके जिवदानी माता के मंदिर पहुंचा है, जिवदानी माता ने उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। सच्चे दिल और अटूट विश्वास से मांगने वाले हर भक्त की झोली जिवदानी माता ने भरी है और सबको अपना आशीर्वाद दिया है। जय जिवदानी माता।